के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। आज के ये सोमान की सीरीज में का 10वां दिन है, तो इसमें हम देखेंगे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो जैसे सोमान की शक्ति के बारे में बताते हैं कि सोमान में कितनी शक्ति रहती है, और वही अपनी सीरीज चल रही है कि जो व्यक्ति सोमान की सीट पर विराजित रहता है उसको क्या कभी मान अपमान पद पोजीशन का कोई इच्छा नहीं रहती, और कोई उसका अपमान भी करता है तो उसको फील नहीं होता कि मेरा अपमान हो गया, क्योंकि वो सोमान की सीट पर रहता है। निंदा स्तुति मान अपमान कोई भी उसका करता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, ये सोमान के इसमें शक्ति है। तो जैसे कल उस दिन आशीष भाई जी ने बताया था कि एक भाई था वो बहुत शराब पीता था, लेकिन उसको वो बहन जी ने बोला कि सोमान का अभ्यास करो, तो उसको कौन सा सोमान दिया था कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। तो देखो, एक तो महान आत्मा शराब पी नहीं सकता, तो उसने उसका अभ्यास किया कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। तो ऐसे उच्चारण करते करते उसको रियलाइज हुआ कि शराब पीनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं तो महान आत्मा हूँ, तो महान आत्मा का काम शराब पीना है क्या? नहीं है। तो इसलिए ऑटोमेटिक वो छूट गया। तो सोमान में इतनी ताकत है कि वो अपन रियलाइज करेंगे तो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाता है। तो इसका भक्ति मार्ग में यादगार है, जैसे रत्नाकर डाकू, उसने अपने जीवन में कितने पाप कर्म किए थे, कितने लोगों को लूटा था, मारा था, और जब नारद के साथ उसका संबंध संपर्क आ जाता है तो उसको बोलता है कि इतने आपने पाप कर्म किए हैं लेकिन इसका आपको भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि इतने पाप कर्म करे कि तो इसका हिस्सा को तो आपको ही चुक तो करना पड़ेगा, और ऐसे कार्य आप क्यों करते हैं? तो तब उसने बोला था ना कि मैं अपने परिवार के उधर निर्वाह के लिए कर रहा हूँ, और तो फिर उसने बोला कि उसके उधर निर्वाह के लिए तो कर रहा लेकिन इसमें भागी वो लोग होंगे क्या? तो वो बोलता ऐसे कैसे नहीं होंगे, जरूर होंगे। तो फिर उसने बोला जाओ जाके पूछ के आओ, फिर वो घर में गया, फिर सभी को पूछा उसने लेकिन कोई भी भागी होने के लिए तैयार नहीं। फिर वो नारद जी के पास आए, फिर नारद जी ने उसको मंत्र दिया, उसने बोला कि मेरे को इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताए, तो फिर उसने मंत्र दिया। तो मंत्र कौन सा दिया था?
यानी राम नाम का जाप करने के लिए। तो देखो उसने राम नाम का जाप किया, इतने पाप कर्म थे कि उसको राम नाम भी उच्चारण करना ठीक से आता नहीं था, तो मरा मरा बोलता था। तो ऐसे करते करते फिर वो राम राम का उच्चारण करने लगा और उसी मंत्र से क्या हो गया, उसके पाप कर्म भस्म हो गए और ये एक साधारण रत्नाकर डाकू से वो क्या बन गया, एक वाल्मीकि ऋषि बन गया और इतने बड़े रामायण का उसने ग्रंथ की रचना की, ऐसे शास्त्र में बताते हैं। तो सोमान में देखो, एक सोमान भी एक मंत्र है, यदि अपन सोमान में उसी प्रकार का संकल्प करेंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो अभी हम आएंगे अपने सोमान पर कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो ये सोमान है 19.3.81 की अव्यक्त वाणी से बाबा ने उच्चारण किया हुआ सोमान है। तो इस सोमान में बाबा ने क्या बताया, सफलता मूर्त यानी हम सफल कैसे बने इसके बारे में बच्चों को बताया है। तो इस क्लास की शुरुआत पहले एक कहानी से करेंगे कि जैसे सुकरात सभी को प्रसिद्ध नाम है, ऑस्ट्रेलिया के वो दार्शनिक थे, पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे कि उस समय सभी लोग उनको सलाह यानी एडवाइस पूछने के लिए आते थे, यानी जो भी उनकी समस्या प्रॉब्लम है तो उसको पूछते थे और उसका वो ठीक से जवाब देते थे। तो ऐसे एक दिन वो अपने गांव में एक नदी के पास स्नान कर रहे थे नदी के अंदर, उतने में एक नवयुवक आया और उसने उसको पूछा कि मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है। तो उसने बोला पूछो क्या पूछना है। तो उसने बोला मुझे सफल बनना है, मैं सफल कैसा बनूँ। तो उसने बोला आप मेरे पास आ जाओ अंदर, मैं वो नदी में था। तो फिर उनके पास गया क्योंकि वो थोड़े गहरा पानी था, उसमें वो स्नान कर रहे थे सुकरात। तो उसके पास गया वो, फिर उसने बोला क्या समस्या आपकी। तो वो बोले मुझे सफल बनना है, सफलता का मुझे उपाय बताइए। तो उसने क्या किया, ये कहानी तो बहुत सभी को पता है। तो उसने झट से उसको पकड़ा और एकदम नीचे पानी में डुबा दिया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। तो वो भाई भी एकदम घबरा गया, बोले मैं कैसे पागल व्यक्ति के पास आ गया, क्योंकि मैं तो उपाय ये तो मैं मेरी जान ले लेंगे अभी, अभी क्या करूँ मैं, एक तो कैसा सक्सेस हो जाऊँगा। तो फिर उसने प्रयत्न किया उसने वहाँ से छूटने का, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा था। बाद में लास्ट में उसको लगा अभी अपना प्राण तो चला जाएंगे, अपन मर जाएंगे अभी। तो फिर उसने पूरी जोर ताकत लगा के उसको हटा दिया और ऊपर आ गया। ऊपर आता एकदम उसको श्वास चढ़ गया था, फिर तुरंत वो नदी के किनारे चला गया और थोड़ा श्वास वगैरह ले लिया, बाद में ठीक हो गया। तो फिर सुकरात को इतनी गाली देना चालू कर दिया उसने कि कैसा तो पागल आदमी मूर्ख है और लोग आपके पास कैसे आते और ये कौन सा उपाय आपने बता दिया मेरे को, और गालियाँ देने लगा। लेकिन सुकरात शांति सब सुन रहा था, उसको गालियाँ जितना देना है उसको देने दिया। बाद में सब होने के बाद फिर उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए था। तो वो बोले मुझे सफलता का मंत्र चाहिए था, तो वही तो दिया बोले मैंने आपको। तो फिर वो बोला कैसा मूर्ख आदमी, वो तो आप मेरी जान ले रहा था और आप मंत्र दे दिया बोले। फिर गालियाँ देना चालू किया, फिर उसको शांत होने दिया और फिर बताया देखो बोले ये तो सफलता का मंत्र है बोले, क्योंकि जब मैंने आपको नीचे पानी में डूबाया था और आपके ऊपर मैं बैठ गया था बोले, उस समय आपने क्या किया था बोले, ताकत के पूरे ताकत के साथ जब ताकत लगाई तब आप ऊपर आ गए बोले। तो ऐसा ही बोले जीवन में कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो पूरे ताकत के साथ जब अपन उस समस्या का सामना करते हैं तो उसमें सफल होते बोले। तो तब उसके समझ में आ गया। तो ये है सफलता का मंत्र। तो दुनिया में देखो कई लोग आज हर क्षेत्र में, जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा जाए या राजकीय क्षेत्र में अथवा विज्ञान जगत में, ये भी पद उच्च श्रेष्ठ पद पोजीशन पर आज विराजित होते वो लोग, तो वो सहज होते हैं क्या? वर्तमान स्थिति में अपन को लगता है इतने ऊंचे स्थान पर ही पहुँचे गए, इतना पद पोजीशन मान सम्मान सब कुछ उनको मिल रहा है, लेकिन वो पद प्राप्त करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हाँ कितने सहन करना पड़ा, पापड़ बेलने पड़े, तभी वो स्थिति को उनने प्राप्त किया। तो ऐसा भी एक अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, तो उसके जीवन में देखो कि कितने संघर्ष करना पड़ा, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी, तभी वो अपने जीवन में सक्सेस हुए।
क्योंकि उसने उम्र के 51 साल तक संघर्ष करते रहे और अपने जीवन में असफल होते रहे, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी और लास्ट में सफल हो गए। तो जैसे उसके जीवन में बताती है कि जब वो एक गरीब परिवार में जन्मे थे, उसके पिताजी किसान थे और वो खेती में काम करके अपनी पढ़ाई करता था। जब वो 9 साल का हो गया तो फिर उनकी माताजी ने शरीर छोड़ा। जब माताजी ने शरीर छोड़ा तो फिर वो पढ़ाई उसकी बंद हो गई, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा था कि मेरे को पढ़ना है। तो फिर वो एक दुकान में नौकरी करने लगा और पढ़ाई भी करने लगा, अपना पढ़ाई भी पढ़ता था। तो ऐसे करते थे, कुछ पढ़ाई की उन्होंने। बाद में उसको एक कानून के बारे में यानी ये करना था, पढ़ाई पढ़नी थी, तो उनके पास पैसे भी नहीं थे और किताब भी नहीं मिल रही थी। तो फिर किसी ने बोला कि अपने गांव के बाजू में एक गांव है, वहाँ पर एक रिटायर्ड जज रहता है, तो उनके पास बहुत सारे कानून के किताब है, उनके पास जाओ और वो पढ़ो आप। तो फिर वो जिज्ञासा थी उसके अंदर, तो फिर वो गया। तो लेकिन उस गांव को जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तो फिर वो नदी में एक नाव में बैठ करके वो गांव में जा रहा था। तो रास्ते में क्या हो गया, जाते जाते वो नाव भी टूट गई और वो ठंडी का समय था। तो लेकिन उसको तैरना आता था, तो तैरते तैरते उस पर चले गए। फिर वो जज के घर में गए, जज के घर में जाकर फिर उनको बताया कि मेरे को आपके पास ये किताब है कानून के, वो मेरे को दे दो पढ़ने के लिए। तो पहले से उसने मना किया और बाद में उसकी लगन देखकर उसने बोला ठीक है भाई, तो आपको दूंगा किताब, लेकिन एक शर्त है। तो उसने बोला कौन सी शर्त है? तो उसने बोला कि मेरे घर के सब कामकाज आपको करने पड़ेंगे। तो फिर वो बोले हाँ, उसने उसके घर के सारे कामकाज करता था, क्योंकि वो लकड़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ लेकर आना, उसके झाड़ू पोछा करना, उसके बर्तन मांजना, ये सेवा करता था उनके घर में। वो सब सेवा करते करते उसने पढ़ाई पढ़ी कानून की और बाद में पढ़ाई पूरी हो गई उनकी। फिर पढ़ाई होने के बाद उनको एक पोस्टमैन की नौकरी लगी, फिर वो सर्विस करने लगे। तो सर्विस मिल गई, थोड़ा सा उसको धन का सहयोग भी मिल गया, तो फिर वो ठीक ठाक चलने रहा। उतने में क्या हुआ, ये कन्या के साथ उसका प्यार हो गया। तो फिर उसने उसका शादी करने का तय किया, संकल्प किया इनके साथ अपन शादी करेंगे। लेकिन वो शादी करने के पहले उसने शरीर छोड़ दिया वो कन्या ने। तो फिर देखो, फिर उसके जीवन में फिर असफलता आ गई, यानी टेंशन में आ गया वो। बाद में फिर उसने एक दृश्य देखा उस अमेरिका का, वहाँ पर काले और गोरे लोग, इनका संघर्ष होता था, और उसमें जो गोरे लोग है काले लोगों के ऊपर हत्या यानी दास बनाते थे अपना और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो उसको लगा कि ये ठीक नहीं है बात, इसके लिए मुझे कुछ करना है। तो करने के लिए अपने पास तो ताकत चाहिए, कैसे करेंगे? तो फिर उसने संकल्प किया कि मैं राजकारण में जाऊंगा, यदि राजकारण में आऊंगा तो फिर कुछ कर सकूंगा। फिर वो चुनाव में खड़ा रहा, लेकिन उस चुनाव में उसकी हार हो गई, तो उसमें हार आ गई। फिर उसके पहले उसने चुनाव में ये करने के लिए उसको नौकरी छोड़नी पड़ी थी, तो फिर उसकी नौकरी भी चली गई थी। फिर क्या करे, तो फिर उसने एक बिजनेस चालू कर दिया। तो बिजनेस ही उतना ठीक ठाक चलता नहीं था, थोड़ा बहुत पैसा उसको मिलता था। बाद में और उसने संकल्प किया, फिर और वो चुनाव में खड़ा रहा और फिर उसमें वो फिर हार हो गई उसकी। ऐसे करते करते उम्र के 22 साल तक हो गई उसकी। तब 22वें साल में फिर उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उसके जिनके साथ शादी हुई थी वो पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर उसको तनावग्रस्त हो गया। फिर कुछ दिन तक ऐसा चला, फिर उम्र का 29 साल का हो गया वो। फिर उसने फिर चुनाव लड़ा तो उसमें हार हो गई उनकी। फिर ये उम्र का 31वें साल में उसने फिर चुनाव लड़ा, उसमें हार हो गई उसकी। यानी हर समय उसकी हार होती थी, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय था कि मुझे सफल करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, एक दृढ़ निश्चय रखा था उसने। तो ऐसे करते करते फिर अपनी उम्र के 46 या 47 साल के हो गए वो। तो फिर उन्हें और चुनाव लड़ा उन्होंने, तो उसमें उसकी हार हो गई। देखो ऐसे करते करते फिर वो 50 साल के हो गए। तो 50वें साल यानी वो 9 साल से लेकर 50 साल तक उसके जीवन में कितना संघर्ष किया, वो कितना कालावधि हो गया वो, यानी एक 41 साल का, 41 साल तक वो संघर्ष करता रहा
हर एक समस्या उसके ऊपर आती थी, वो संघर्ष करता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। और बाद में जब 51वें साल में उसने चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में उसकी जीत होगी। और बाद में जो उनका संकल्प था कि बाकी लोगों को दास प्रथा से मुक्त करना है, तो वो उसने अपना संकल्प पूरा किया और वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि उसके संस्कार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे विचार थे उसके, और उसके कारण बहुत लोगों का उसने जीवन अच्छा बनाया। तो देखो, क्योंकि अच्छे पद पोजीशन पर जाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो व्यक्ति वो हासिल करता है। तो ये है सफलता, यानी सफलता सहज मिलती नहीं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तभी वो पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अभी बाबा ने सफलता का बताएगा, आज का समान है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो ये अव्यक्तवाणी है, उसमें वो पैराग्राफ बाबा ने लिया है समान का। तो उस पर बाबा ने बताया है कि समान में कि आप ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार भी सफलता, यानी देखो हम कितने भाग्यशाली आत्मा है कि दुनिया के लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और हमें सहज सहज मिल गया, लेकिन हमें सहज नहीं मिला क्योंकि उसके लिए हमें पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि बाबा ने सहज अधिकार नहीं दिया वो हमको सफलता का, क्योंकि हमने भी द्वापर युग से क्या किया, आधा कल्प से हमने भगवान की स्मरण किया, पूजा भक्ति की, हठ योग किया, शरीर को कितनी तकलीफ दी, तभी तो वो पद प्राप्त हुआ हमको। तो इसलिए बाबा बोलते कि सफलता मूर्त आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आगे बाबा ने बोला कि आपको क्वेश्चन तो नहीं आता आप सफल बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ऐसे कभी संशय तो नहीं आता कोई भी कार्य में हम सफल होंगे क्या नहीं होंगे, ऐसा संशय आता है बोलते कभी कभी, लेकिन बाबा बोलते हैं ऐसा संशय करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें सर्वोच्च अथॉरिटी भगवान मिल गया और बाप मिल गया और बाबा ने वरदान के रूप में हमें दे दिया, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसलिए हम हर कार्य में सफल हो रहे हैं। फिर आगे बाबा ने बताया कि आप मास्टर शिक्षक हो, जैसा बाप का भी बाबा ने लगा जैसा बाप का भी शिक्षक ऑक्यूपेशन है, जैसा जो टीचर रहता है जिस सब्जेक्ट का वो टीचर रहता है उसका कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर उनके पास रहता है ना, वो कभी हार नहीं मानता, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो फिर उसके उनके पास उत्तर रेडी रहता है। तो वैसे बाबा ही बोलते आप मास्टर शिक्षक हो, तो आप भी कोई भी समस्या है प्रॉब्लम आए तो उसमें आप असफल हो नहीं सकते, बोलते सफलता आपको मिलना ही है, तो ये सफलता। तो फिर और बाबा ने दूसरी बात बताई है कि जैसे कि आपको सफलता जन्मसिद्ध अधिकार ये तो बाबा ने दिया, लेकिन आज देखो सर्वोच्च शक्ति जो भगवान है उनको सारी दुनिया क्या करती है, यानी एक भक्ति के रूप में उसके नाम का सिमरन करती है बोलते बाबा का। और जिस भगवान का दुनिया के लोग सिमरन करते हैं वो भगवान क्या कर रहा, हम बच्चों का सिमरन कर रहा, यानी हम कितने भाग्यशाली कि भगवान हमारा सिमरन करते हैं। तो ये बात बाबा ने विशेष बताई है, तो इसके आधार से हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी जब शुरू शुरू में हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो बहुत स्पीड के साथ पुरुषार्थ करते हैं और उस समय जीवन में क्या रहता है, उमंग उत्साह रहता है, अमृत वेला मिस नहीं होती, मुरली क्लास का भी मिस नहीं होता, हर कार्य में हम आगे बढ़ते बढ़ते जाती है और बाबा के श्रीमत अनुसार हर कार्य करते हैं। तो श्रीमत अनुसार करने के कारण बाबा की मदद भी मिल जाती है और निरंतर बाबा के साथ योग करने की याद में रहने के कारण क्या होता है, बाबा की टचिंग भी मिलती है हमको, तो बहुत स्पीड के साथ पुरुषार्थ में चलते। लेकिन कभी कभी क्या होते, कई बच्चे चलते चलते फिर उसको पहले जैसा जीवन में खुशी नहीं आती, यानी चढ़ती कले की बदली उसकी उतरती कला हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इतना बड़ा भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, भगवान ने हमें वरदान दे दिया कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सब होते हुए भी हम पुरुषार्थ भी असफल होते, इसका कारण क्या है, क्यों होते हैं, जी हाँ व्यर्थ में चले जाते, और क्योंकि व्यर्थ में चले जाते बाद में, हाँ हाँ एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ परचिंतन प्रदर्शन आ जाता है और खुद में नीचे, खुद में नीचे भी कम हो जाता है खुद का भी, तो हाँ पुराने बीती बातों में चले जाते हैं, उसका व्यर्थ चिंतन चलता है, तो इसके कारण हम पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं।
तो जी हाँ निराश है, जीवन में निराश आ जाते, कभी कभी कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आते है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो उसी कारण हमें जीवन में निराशा आ जाती है। और निराशा के कारण फिर हमारा जो निश्चय भगवान के ऊपर का वो कम हो जाता है, और फिर हम पुरुषार्थ में धीरे धीरे कम हो जाते हैं, यानी असफल होते रहते हैं। तो उसके लिए पहला कारण यानी तो असफल होने का यानी आलस्य है, क्योंकि शुरू शुरू में जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं, और अच्छे से पुरुषार्थ करने के कारण बाबा की मदद भी मिल जाती है। और बाद में क्या होता है, हम धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कभी अमृत वेला एक आधे दिन समझो अमृत वेला हम मिस कर देते हैं कि एक दिन नहीं अमृत वेला के लिए तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे व्यर्थ संकल्प आ जाता है, और उसी में क्या हो जाता है, हम अमृत वेला मिस हो जाती है एक दिन की, फिर ऐसी आदत हो जाती है कभी कभी दो दिन की हो जाती है, फिर ऐसे करते करते अमृत वेला मिस हो जाती है। तो फिर बाबा बोलते हैं कि अमृत वेले समय भगवान के हमें अमृत पान करने का समय रहता है, और उस समय भगवान हमारे अंदर बहुत शक्ति भरते है, लेकिन अमृत वेला मिस हो गया तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं, और उसके कारण कोई समस्या आई, प्रॉब्लम आया, फिर पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। तो एक आलस्य एक कारण है कि पुरुषार्थ में ढीले होने का, उसी कारण फिर हम असफल हो जाते। दूसरा कारण बीमारी, कभी कभी ऐसी ऐसी बीमारी आती, एक बीमारी हुई क्या दूसरी आती, दूसरी क्या की तीसरी आती है, एक के पीछे का ऐसी लंगर लग जाती है बीमारियों की, तो फिर वो व्यक्ति क्या होता है, एकदम जीवन में निराश हो जाता है कि ये कैसा, हम बाबा के ज्ञान में चल रहे, सब कुछ तो ठीक ठाक कर रहे, लेकिन ये बीमारियाँ क्यों आ रही और बाबा मदद क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसा हमारे संकल्प व्यर्थ चलते हैं, और उसी कारण समझो भी ये बड़ी बीमारी होगी तो हर एक को अनुभव ही है कि जब बीमारी के समय पर बाप को याद कर सकते हैं क्या, बाबा याद ही नहीं आता, उस समय सारे मन बुद्धि हमारे बीमारी की तरफ, जहाँ पर दर्द होता है उसके तरफ लगा रहे थे, यानी हम बाबा को याद भी नहीं कर सकते और किसी को ज्ञान भी नहीं दे सकते उस समय, हम अपना ही बीमारी का ये रहता है, दूसरे को क्या बाबा का संदेश देंगे। तो उस कारण हम जीवन में निराश आ जाती है, और ये ऑटोमेटिक हम पुरुषार्थ में धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और फिर पुरुषार्थ जीवन में हम असफल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो जैसा इसमें भी एक याद आ रही मेरे मेरे को महाराणा प्रताप की, कि उसके जीवन में देखो कितना संघर्ष करना पड़ा, यानी हार हार होती गई। जब अकबर ने उनका राज्य जीत लिया तो उस समय उसको जंगल में जाना पड़ा, और जंगल में जाने के बाद एक तो ये इतना राजमहल में रहने वाला राजा था, वो सब सुखी सुख सुविधा थी उनके पास, लेकिन वो जंगल के जीवन में कैसा जीवन बिताना पड़ा उसको, तो एकदम वो जीवन में निराश हो गया था। हाँ 6 मास, हाँ वो इधर ही शेरगांव में माउंट आबू में आए थे बोलते जंगल में, और उनके साथ उसका परिवार भी था। तो देखो उस समय उनको कितने दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा, और एकदम जीवन में निराश आ गए थे उसकी। तो उस समय क्या वो अकबर की शर्त क्या थी, यदि आप हमारा यह धर्म स्वीकार करेंगे तो फिर आपका राज्य हम आपको वापस दे देंगे बोले। लेकिन वो अपना धर्म स्वीकार, दूसरा धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इतनी उसको निराशा आ गई जीवन में कि ऐसे उसको दुख दर्द सहन करना पड़ा जंगल में, तो लास्ट में तैयार हो गया वो कि उसका धर्म स्वीकार करने के लिए, और उसने एक लेटर लिखा ऐसा खत कि मैं आपका धर्म स्वीकार करता हूँ। लेकिन उनका जो अकबर का मंत्री था मान सिंह, वो अपना राजपूत था, तो उसको लगा ये कैसा हो गया भाई, इतना मजबूत राजा आज कैसा हिल गया, और ये इसने ऐसा कैसा दूसरा धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। तो फिर उसने वो पत्र अकबर बादशाह को बताया कि इसमें कोई तेरी जाल यानी उसकी चाल होंगी, ये सच्ची बात नहीं है उसकी, तो मैं थोड़ा और उसका जाँच करता हूँ, ऐसा उसने मंत्री ने बोला अकबर को। वो बोले ठीक है करो आप जांच। तो फिर उसको ऐसा उमंग उत्साह वाला लेटर लिखता है कि उसमें वो लिखता है कि सूरज है पूरब से उगता है, लेकिन पूरब के बदले पश्चिम की तरफ उग सकता है, जो नदी का पानी है ऊपर से नीचे बहता है तो वो भी ऊपर से नीचे के बदले नीचे से ऊपर बह सकता है, लेकिन आप कैसा धर्म उसका स्वीकार कर सकते हैं। और बहुत सारे उमंग उत्साह वाले उसने वहाँ पर ऐसे कुछ उसको उमंग देने वाले शब्द लिखे, तो उससे क्या हो गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया, और फिर उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया, और बाद में उमंग आ गया उसको। तो उसने उसी जंगल में जो भील लोग रहते थे उनको भी इकट्ठा किया और उनको कुछ प्रशिक्षण दिया और उसको मजबूत बनाकर फिर उसने अकबर के उस युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उसको सफलता मिली।
तो देखो एक यानी खोया हुआ राज्य उसको जब उमंग उत्साह मिल गया, आत्मबल बढ़ गया, तो आत्मबल बढ़ने से क्या होता है यानी असफल व्यक्ति भी सफल हो जाता है। तो इसलिए बाबा ही बोलते कभी कभी बीमारी के कारण एकदम अपन निराश हो जाते हैं, तो बाबा भी हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं ना। तो आत्मबल में क्या बोलते बाबा, जैसी बीमारी आती है बाबा बोलते हैं ना बीमारी के समय तो हम एकदम आत्मबल डाउन हो जाते हमारा, लेकिन बाबा बोलते वहाँ वैधि वाह बोलो बोलते, क्योंकि जैसे बीमारी का कारण क्यों आता है, क्योंकि हम कई जन्मों के पाप कर्म हमारे सिर के ऊपर है। तो बाबा बोलते एक तो बाबा को याद करेंगे तो याद से क्या हो जाएगा, हमारे विकर्म भी नाश हो जाते। यदि याद में जब हम कम पड़ते हैं तो फिर बीमारी के रूप में वो हिसाब किताब सामने आता है, तो वो भी यदि बीमारी के रूप में हमने समझो नहीं चुकत किया तो फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे धर्मराज की सजा भोगनी पड़ेगी। तो बाबा बोलते धर्मराज की सजा भोगनी पड़ेगी तो फिर उस समय क्या हो जाएगा, आपका पद कम हो जाएगा। तो देखो सतयुग में 21 जन्म के लिए हमारा पद कम हो जाएगा ना, इसलिए बाबा भी हमारा मनोबल बढ़ाते है कि बीमारी को डरो नहीं, क्योंकि वो साक्षी होके देखो बोलते है उसको। तो उसके लिए आत्मबल बढ़ाएंगे तो बीमारी में भी हम बाबा को याद करेंगे, तो याद करेंगे तो विकर्म भी नाश हो जाएंगे, तो बीमारी जल्दी हट जाएंगे यानी समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक बाबा ने विधि बताई है। तो अभी ये असफल होने के कारण, अभी हम सफलता के कुछ सूत्र देखेंगे कि पुरुषार्थी जीवन में हम सफलता कैसे प्राप्त करें। तो उसका पहला कारण है यानी योग्य अपने योग्यता अनुसार कार्य करो, क्योंकि सभी कार्य में हम यशस्वी सक्सेस नहीं हो सकते, कि जो हमारी योग्यता अनुसार हम कर सकते वही कार्य करो तो उसमें हम सफल हो सकते हैं। तो जैसा एक भाई का मुझे अनुभव याद आ रहा है कि जैसे उसने सुना था कि मम्मा 2 बजे उठती थी, फिर वो भाई ने भी क्या किया, मम्मा 2 बजे उठती थी तो उसने भी चालू किया 2 बजे उठना, 2 बजे उठ करके वो पुरुषार्थ करता था। कुछ दिन तक तो उसका योग ठीक ठाक चला, बाद में क्या हुआ उसको योग में नींद आती थी तो फिर वो जबरदस्ती से योग करता था। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि नींद नहीं होती थी उसकी, नींद होने के कारण वो प्रॉब्लम आ गया। तो इसलिए क्योंकि उसने बाकी का ज्ञान यानी नॉलेज का उपयोग नहीं किया, खाली मम्मा 2 बजे उठती थी ये एक ध्यान में रखा, लेकिन मम्मा जब 2 बजे उठती थी तो वो सोती कितने बजे थी इसके ऊपर ध्यान नहीं था उसका। तो क्योंकि मम्मा 9 बजे सोती थी और दिन भर में मम्मा भोजन बहुत कम करती थी और दिन में वो ज्ञान मंथन करके बाबा के याद में रहती थी, तो उसके कारण मम्मा ने 2 बजे उठकर पुरुषार्थ किया। तो वो भाई ने ठीक से ये नहीं किया यानी उसकी योग्यता नहीं थी, तो अपनी योग्यता अनुसार भी अपन कार्य करेंगे तो अपन यशस्वी हो सकते जीवन में। जैसे विशेषता, कई लोगों के अंदर विशेषता गुण अच्छे रहते, तो अपन यदि कोई लोग ज्ञान में भी यज्ञ में यानी लास्ट में आती है लेकिन अपनी विशेषता और गुणों के कारण एकदम फास्ट आगे चले जाते, फिर हम क्या करते उसकी ईर्ष्या करते कि ये व्यक्ति अभी ज्ञान में और एकदम फास्ट चला गया, और उसको ईर्ष्या करते उसका रिजल्ट हमें दुख भोगना पड़ता है, खुद ही हम दुखी होते हैं ना। इसलिए बाबा बोलते जो भी व्यक्ति की जो विशेषता गुण है वो पहले जन्म के पुण्य कर्म के आधार से उसको मिलता है, हमें वो स्वीकार करना चाहिए। वो आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर योग्यता है या पहले जन्म का पुण्य उनके साथ है इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए जब अपनी योग्यता अनुसार हम कार्य करेंगे तो उस कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते, यशस्वी हो सकते। दूसरी बात है कि सफल होने के लिए यानी जो मंजिल है मंजिल को प्राप्त करने की तीव्रता, क्योंकि जो भी मंजिल है हमारी तो मंजिल को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा चाहिए हमारी, तो तीव्र इच्छा रहेंगी तो उसके साथ हम वो हासिल कर सकते हैं। तो जैसे बाबा ने बोला है कि हमारी मंजिल क्या है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बना, ये मंजिल है हमारी। तो बाबा बोलते जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण स्थिति प्राप्त की ब्रह्मा बाबा ने, तो उसके लिए क्या था हमें बाप समान बनना पड़ेगा तभी वो मंजिल प्राप्त करेंगे। तो बाप समान बनने के लिए जैसे बाप के संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क कैसे थे वैसे हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, वैसे बनना पड़ेगा तो हम मंजिल हासिल कर सकते हैं। जैसे बाबा के संकल्प क्या थे, सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, हर एक आत्मा का कल्याण हो जाए, हमें वही भावना रखनी पड़ेगी कि हर एक आत्मा का कल्याण हो जाए सभी सुख पावे तो हम बाप समान संकल्प में हो जाएंगे। जैसे बोल है, बाबा के बोल कैसे थे यानी सुखदायी बोलते, अपन बाबा के बोल को क्या बोलते महावाक्य बोलते, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा दुख दर्द में निराश जीवन में आता था बाबा के सामने
बाप ऐसे बोल बोलते थे कि बोल के कारण उसके दुख दर्द समाप्त हो जाता था, तो वैसे बोल भी हमें बोलना पड़ेगा तो हम बाप समान बोल में बन जाएंगे। जैसे कर्म, बाबा के कर्म कितने सुखदायी थे, जो भी कर्म करते थे बाबा खुद करके सिखाते थे, दूसरे को ऐसा आर्डर देकर नहीं करते थे, क्योंकि खुद करते थे और उसको देखकर बाकी करते थे। तो वैसे भी कर्म हमें करना है, खुद करके दूसरे को सिखाना है। और संबंध संपर्क भी, बाबा के संबंध संकल्प में जो भी व्यक्ति आता था तो क्या होता था, खुश हो जाता था। और बाबा हर एक के साथ यानी भेदभाव नहीं करता था, सच्चे दिल से व्यवहार से उसके साथ अच्छे व्यवहार करता था। इस पर मुझे एक बात याद आ रही ब्रह्मा बाबा की, कि अपने यज्ञ में उस समय एक माता थी, यानी वो कर्मचारी थी, वो यानी मजदूर थी, मजदूर की सेवा करती थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि बाबा को मैं राखी बांधूं। तो देखो वो तो लेबर थी ना, तो चंद्रा दादा ने बताया बाबा को, बाबा उसका संकल्प है कि आपको राखी बांध दे। तो पहले चंद्रा दादा को लगा कि इतना बड़ा बाबा, वो तो लेबर है, उसको क्यों राखी बांधने के लिए ये करेंगे। फिर बाबा ने बोला ठीक है, क्योंकि उसको बोलो बोले राखी बांधने के लिए। तो देखो बाबा के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, वर्कर लेबर भी नीचे लेवल की होती हुई भी उसने बांधने के लिए उसको बोला। तो फिर वो माता ने राखी बांधी बाबा को। फिर चंद्रा दादा ने उसको उस समय किसने पैसे दिए थे, चारा ने कुछ दिए थे बोला हाँ, और 2 रुपये दिए थे चारा ने, 2 रुपये दिए थे चंद्रा दादा ने। फिर बाबा ने पूछा चंद्रा दादा को कि आपने उसको पैसे कितने दिए, फिर बोले 2 रुपये। तो बाबा ने बोला अरे इतने बड़े सर्वोच्च अथॉरिटी बाप को उसने राखी बांधी और उसको आपने सिर्फ 2 रुपये दिए। फिर चंद्रा दादा ने उसको 20 रुपये दिए बोलते। तो देखो यानी बाबा का व्यवहार कैसा था, सभी के ऐसी निज भावना से नहीं देखते थे, सभी के साथ यानी ठीक ठाक से व्यवहार करते थे। तो वैसा ही हमारा व्यवहार हो तो तभी तो हमारा जो व्यवहार है सबके साथ यानी बाप समान व्यवहार करना है। तो जब हमारे संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क बाप समान होंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे और अपने मंजिल तक प्राप्त हो जाएंगे। तो मंजिल को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, जितनी तीव्र इच्छा से हम कार्य करेंगे तो अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे और उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरी बात है यानी दुनियावी आकर्षण से मुक्त, जो व्यक्ति दुनियावी आकर्षण से मुक्त रहते वही अपने मंजिल को यानी सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते। जैसे दुनिया में व्यक्ति वस्तु वैभव का आकर्षण है तो हर एक व्यक्ति उसी के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं और उसके कारण उसको आगे सफलता प्राप्त नहीं होती उनको। जैसे आज भी बाबा ने बोला है ना, कोई किसी व्यक्ति के विशेषता गुण पर आकर्षित हो जाती है। तो जैसे आज बाबा ने बोला किसी ब्राह्मणी को याद नहीं करना है तो बाबा को याद करना है, क्योंकि किसी ब्राह्मणी में विशेषता गुण रहते तो उसमें आकर्षित हो जाते। लेकिन बाबा बोलते कि जिस ब्राह्मणी आपको मुरली पढ़ाती है वो भी हम बाप से पढ़ती है, तो जो पढ़ाने वाला है उसको याद करो तो आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे अपन। जैसे इस पर मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आ रही है कि जब वो अमेरिका में गए थे और वो सर्वधर्म सम्मेलन का उसमें वो सहभागी हुए और वहाँ पर उसने स्पीच दिया तो उसके कारण सारे विश्व में वो फेमस प्रसिद्ध हो गए और अमेरिका के बहुत सारे उसके शिष्य बन गए थे उस समय। तो ऐसे एक दिन वो रास्ते में जा रहे थे तो उसके शिष्य उनके साथ थे। तो जाते जाते एक रोड पर एक बिल्डिंग थी, उस पर एक सुंदर युवती थी। तो स्वामी विवेकानंद उस युवती की तरफ देख रहे थे। तो ये शिष्य को लगा इसको क्या हो गया अचानक, ये तो बाल ब्रह्मचारी है और आज वो कन्या की तरफ क्यों देख रही है। तो उसको थोड़ा संशय आ गया। तो उसको लगा इतना महान व्यक्ति है, इसको पूछे तो कैसे पूछे, अपन तो साधारण शिष्य हैं। लेकिन वो आधे मिनट तक देखते रहे, फिर 1 मिनट भी हुआ तो भी देखते रहे। फिर उसने हिम्मत की, शिष्य तो अभी तो पूछना पड़ेगा इसको क्योंकि ये देख क्यों रहे उसकी तरफ। तो फिर उसने हिम्मत करके पूछा कि महाराज बोले आप तो अपन ब्रह्मचर्य का पालन करते, हम ब्रह्मचारी है, मगर आप वो युवती की तरफ क्यों इतने देख रहे। तो फिर देखो उसने जवाब दिया कि वो युवती देखो बोली इतनी सुंदर है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। यानी देखो
कि उसका फोकस किसी तरफ था, वो युवती की तरफ नहीं था, वो भगवान की तरफ, जिस भगवान ने इसकी रचना की है, इतनी सुंदरता उसके अंदर प्रदान की है, वो भगवान कितना सुंदर होगा, तो मैं उस भगवान के याद में मगन था बोली। तो देखो वो शिष्य का संशय दूर हो गया। तो इस प्रकार बाबा ही बोलते, अपन किसी के विशेषता गुणों पर आकर्षित होती है, तो उसके गुण विशेषता पर आकर्षित नहीं होना चाहिए, तो उसको जो देने वाला दाता कौन है, भगवान है ना, उस भगवान के ऊपर आकर्षित हो, तो हर कार्य में हमें क्या होंगी, सफलता मिलेंगी और हम अपने पुरुषार्थ जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी साधन यानी व्यक्ति वस्तु वैभव यानी साधन, तो जो साधन के ऊपर हमारी तपस्या नहीं आधारित होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखो आज साधन है कल नहीं रहेंगे, तो यदि हम साधन के आधार बनाएंगे तो हम तपस्या में आगे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ही बोलते हैं अंतिम समय में ये साधन नहीं रहेंगे। जैसे कभी कभी अपन बाबा के कमरे में बैठे तो योग लगता है, ऐसा हमारा संकल्प रहता है, यदि दूसरी जगह पर योग नहीं लगता, या कोई बाबा का ट्रांसलाइट के आगे बैठेंगे तो योग लगेगा, लेकिन अंतिम समय में बाबा बोलते प्रकृति इतनी हलचल करेंगी कि दुनिया में सारा इधर का उधर सब हलचल हो जाएगा, उस समय न बाबा का कमरा रहेगा, न मकान रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। तो उस समय अपन यदि साधनों के ऊपर अपनी साधना आधार रखेंगे तो उस समय कैसे हम बाबा को याद कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा बोलते किसी स्थान पर रहो लेकिन बाबा की याद निरंतर होनी चाहिए, किसी भी साधन के ऊपर आपकी तपस्या आधारित नहीं होनी चाहिए। तो अंत में देखो ऐसी स्थिति हो जाएंगे, हम कई हर जगह पर मुर्दे मुर्दे रहेंगे, पानी भी पानी रहेंगे, और हम ऐसा लगेंगे हमको कि हम अकेले है इस दुनिया में, दूसरा कोई है ही भी नहीं, तो उस समय कहाँ बाबा का कमरा आएगा। तो इसलिए बाबा बोलते कि प्रैक्टिस करो कि जहाँ पर हम है बाबा की याद में निरंतर रहे, तो उस समय बाकी साधनों के आकर्षण से हम मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन में अंतिम समय हम पासवी दानर हो जाएंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। हाँ, कोरोना काल में वैसा हुआ ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर थे, अकेले अकेले थे उस समय का, यहाँ पर हर लोग अपने घर घर में थे, कोई सेंटर पर नहीं जा सकते थे, मधुबन में कोई नहीं आ सकते थे, तो उस समय वैसी स्थिति में उसको पुरुषार्थ करना पड़ा ना, और कई लोग ऐसे थे कि घर में अकेले अकेले ज्ञान में चलते थे, तो उस समय कहाँ पुरुषार्थ करेंगे, या बाबा के सेंटर पर कहाँ आ सकते थे। तो वो बाबा ने ये दिया, प्रैक्टिस करने का एक चांस दिया हमें कि उस समय हम जिस भी स्थान पर रहेंगे वही पर बाबा हमें याद आना चाहिए। तो साधनों के आकर्षण से भी हमें मुक्त बनना है, और वही वो धन भी, कई ऐसे लोगों को लगता है कि धन सेंटर के बहने, धन रहे तो हम यानी सेवा कर सकते, धन भी नहीं तो कैसी सेवा कर सकते बोलते, लेकिन बाबा बोलते अपने वो स्थूल धन से सेवा नहीं बढ़ेंगी, जो ज्ञान धन है ज्ञान धन के आधार से भी क्या होंगी, सेवा बढ़ेंगी। हमारी दादी अभी देखो, जो बाबा ने भेजा उनको, उस समय क्या धन था क्या उनके पास, वो तो खाली हाथ गई थी, न उनको कोई रहने का ठिकाना था, न खाने का कोई प्रबंध था, तो ऐसी हालत में उन्हें सेवा की, लेकिन उस समय उनको क्या ज्ञान धन था उनके पास, तो ज्ञान धन के आधार से उनने सेवा की और हर जगह जगह पर सेंटर खुल गए। तो इस प्रकार धन यानी धन पर का भी आधार नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार दुनिया में जो आकर्षण है, उस आकर्षण से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो अपने पुरुषार्थी जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है यानी अभिमान और अहंकार से मुक्त। जब तक हम अभिमान और अहंकार से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम पुरुषार्थ जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर अभिमान है वह अपमान भी होगा उनका, तो जो अपमानित व्यक्ति है वो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते है। तो इसलिए हमें निर्मानता और नम्रता का गुण हमारे अंदर धारण करेंगे तो नम्र और निर्मानता व्यक्ति भी हर कार्य में सफल हो सकता है, क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति अभिमानी व्यक्ति उसको कोई भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जिनके अंदर नम्रता है तो नम्र व्यक्ति को क्या होता है, सभी उनके सामने झुक जाते, नमन करते, और जो भी वो कार्य करेंगे उस कार्य में सभी का सहयोग मिल जाता है और उस कार्य में उनको सफलता मिल जाती। जैसे रावण और राम का बताते, आज भी बाबा ने बोला है ना, रावण राज्य के मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद बनना है, तो जैसा रावण ने सफलता प्राप्त नहीं की क्योंकि उसके अंदर सब कुछ विशेषता थी, धनवान था, सब कुछ था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, लेकिन राम
राम के अंदर सफलता प्राप्त की राम ने, क्योंकि राम के अंदर निर्माणता का गुण था, वो अहंकार था उनके अंदर रावण के अंदर, और राम के अंदर निर्माणता था। तो निर्माणता के कारण क्या हुआ, क्योंकि वो तो राज्य पर रहा था कि वहाँ पर वो लंका में गए थे राम, और वो उसके पास खुद की सेना भी नहीं थी, उसकी रावण की थी खुद की सेना थी, लेकिन खुद की सेना, खुद का परिवार, खुद का राज्य होते हुए भी उसने सफलता प्राप्त नहीं की। लेकिन राम ने क्या किया, दूसरे के राज्य में जाकर भी सफलता प्राप्त की, क्योंकि उनके पास नम्रता थी, नम्रता का गुण था कि उसके आधार से उसने सफलता प्राप्त की। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या, निर्माणता और नम्रता का गुण चाहिए। अभिमान और अहंकार से हम मुक्त रहेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो इन बातों को जब अपने जीवन में हम धारण करेंगे और अपनाएंगे तो भगवान का भी हमें सहयोग मिलेगा, और हम हर कार्य में सफल बनेंगे, और जो सफलता मूर्त बन के आने वाले सत्युग में ऊंचे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।